बेसिकली बेटा जो पॉइंट मैं आपका क्लियर कर रही थी वो क्या था कि एच एफ की वैल्यू, एच एफ फैक्टर हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से ले लेना है डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल्स टू एम एच एफ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने जो कहा था मेन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे इन वैल्यूज को, ठीक है। मेन इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, डेल्टा क्यू सॉरी, डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई टी एफ ओवर टी नॉट, ठीक है। तो डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू हमने पीछे से देख लिया, भाई किसके इक्वल है, एम एच एफ के। तो डेल्टा क्यू एफ की जगह पे क्या पुट कर दिया, एम एच एफ। डेल्टा क्यू इसकी जगह पे ये वैल्यू कहां से आई, ऊपर से बेटा, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ था सी की वैल्यू के साथ, ठीक है। यही हम पुट कर रहे हैं नीचे यहां पे, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी सामने, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें बेटा मैस जो है ये मैस इस मैस से कैंसिल हो गया, तो इन्होंने हमें मैस नहीं था दिया, उससे हमने जान छुड़ा ली अपनी कि हमारे पास मैस तो है नहीं। उसके बाद पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो ये है, और टी एफ ओवर टी नॉट की वैल्यू है। तो बेटा टी एफ और टी नॉट यानी कि टाइम है जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था ग्राफ से देख के, 3.6 डिवाइडेड बाय 4.6। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एच एफ की वैल्यू आ जाती है 3.2 × 10⁵, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की है हमने जो कैलकुलेट की है वो इतनी आती है, लेकिन जो हमने याद की हुई है वो क्या है, वो ज्यादा है बेटा, वो है 3.36 × 10⁵। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आया ना वो कुछ ग्राफ से वैल्यूज नोट करने की वजह से भी आया। आल्सो बेटा हम कहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना एक्चुअल में, तो कुछ ना कुछ साइड वेरिएशंस होती हैं, मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर भी मैटर करता है, हमने किस तरह से उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ये चीजें भी मैटर करती है, उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता होता है। अब आप सोचोगे ये वाली एक्चुअल वैल्यू कहाँ से हमने याद की, एक्चुअल वैल्यू बेटा आपको दी हुई थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, आपने याद की थी आइस की वैल्यू भी, ये ऊपर देखेंगे ये यहाँ रही, ये देखें लेटेंट हीट आइस की कितनी है 3.36 × 10⁵, लेकिन जो आपने कैलकुलेट किया है वो है 3.27, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझे, जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल की भी समझ आएगी, ठीक है। इसमें सिंपली अगर मैं समराइज करूं तो समराइजेशन में कुछ भी नहीं है, हमने मेल्टिंग देखी, मेल्टिंग के बाद बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई, हमने कहा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हमने कहा जो टेम्परेचर चेंज आया उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट का भी तो रोल हुआ ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने फाइंड कर ली। फाइंड करते हुए हमने देखा एम की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, उसके बाद हमने कहा कि टाइम है तो रेट भी पार्टिसिपेट करेगा, रेट का फॉर्मूला जब इंट्रोड्यूस कराया तो हमने कहा रेट तो है लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूजन की, तो फ्यूजन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने टी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये है हमारे पास मेन एक्सप्रेशन, इसमें अगर आप गौर करो तो सारा कुछ ही आ रहा है, मतलब फ्यूजन भी आ रही है, उसके अलावा बॉइलिंग वाला भी चीज आ रही है, तो ये हो गया मेन एक्सप्रेशन। हमने कहा क्यू एफ कहाँ से लेके आए, क्यू एफ हम लेके आए इसके मेन फॉर्मूला से, जो मेन फॉर्मूला है इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने पढ़ा था, तो क्यू एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह डेल्टा क्यू हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और जब हमने कैलकुलेशन की कुछ चीजें कैंसिल हो गई, कैलकुलेशन की और हमारे पास एच एफ की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप देख लेते हो कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इसी से रेलेवेंट अब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे।